सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित होने वाले 72वें गणतंत्र दिवस के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठोडो मैदान में पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने अंतिम रिहर्सल की। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार परेड का सूक्ष्म रूप देखने को मिला। सोलन के ठोडो मैदान में होने वाली परेड का जायजा लेने खुद SP सोलन अभिषेक यादव पहुंचे, जहाँ उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और परेड कर रहे पुलिस और होमगार्ड के जवानों का निरीक्षण कर उन्हें निर्देश भी दिए। SP सोलन अभिषेक यादव ने बताया कि इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म रूप से परेड पुलिस और होमगार्ड जवानों द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार दो पुलिस जवानों की टुकड़ी, एक होमगार्ड जवानों की टुकड़ी के साथ होमगार्ड का बैंड भी साथ चलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार सिर्फ 3 टुकड़ियां परेड में हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि इस बार 26 जनवरी का कार्यक्रम कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। बता दें कि जिला में इस बार 72वां गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक ठोडो मैदान में मनाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग करेंगे। समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। वहीं इस प्रदर्शनी में सोलन जिला में गत 50 वर्षों में हुए विकास की झलक भी दिखाई देगी। मेरे ख्याल 26 जनवरी की परेड के लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और परेड में मूल रूप से 3 टुकड़ियां भाग लेंगी, जिसमें 2 टुकड़ी जिला पुलिस सोलन की होगी और 1 टुकड़ी होमगार्ड की होगी। इसके साथ एक होमगार्ड का बैंड भी होगा। परेड को PSI मुनीश हैं, वो कमांड करेंगे और कोविड को ध्यान में रखते हुए सारे एहतियात बरते गए हैं और कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करते हुए ही पूरी परेड का संचालन होगा और परेड की समुचित जो है प्रैक्टिस कर ली गई है और होपफुली कल का जो कार्यक्रम होगा वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।